देखिए इसमें सत्संग में डुबकी लगाने का फल सुनिए समझिए मजनी अति प्रेम से अनुराग से सत्संग रूपी संगम तीर्थराज प्रयाग चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग इसको तुलसीदास कहते हैं मधुर मंगल समय संत समाज जग जंगल तीर्थ कहते हैं चलते फिरते हुए तीर्थराज में डुबकी लगाओगे तो इसमें देख लो इसका कमाल क्या है कि नाला का पानी जैसे गंगा में मिल करके गंगा की तरह पवित्रता को प्राप्त कर लेता है सम्मान प्राप्त कर लेता है उसी तरह इस सत्संग का प्रभाव है कि सत्संग के प्रभाव से है वाल्मीकि नारद घटमनी धीरे धीरे देखिए दिन से कैसे ऊंच हो गए थे कैसे उनकी महिमा संसार में हो गई है ये सत्संग का चार फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष जन्म मरण
से छुट्टी परमात्मा का दर्शन निर्वाण शुद्धि का करना भाव की स्थिति प्राप्त करें। इसलिए महापुरुष का कहते हैं सत्संग करिए, नित सत्संग करिए, ध्यान करिए, जीवन इसी में सार्थक होगा। ध्यान प्राण की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, बड़े छोटों के साथ हमारा व्यवहार वाणी कैसी होनी चाहिए, माता पिता के प्रति हमारे कर्तव्य, ये सबका बोध ये ही होगा। जैसे भूमि से बहुत तरह के फल फूल उपजते हैं, उसी तरह इस सत्संग से बहुत तरह के ज्ञान उपजते हैं। इसीलिए सत्संग करिए, जीवन सुखमय हो जाएगा, शांति में आनंदमय हो जाएगा। बस ठीक ठीक समझ कर धर्म के मर्म को, तीर्थ त्रिवेणी को, प्रयास